गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद आलम आप लोगों को आज क्लास 5 हिंदी थर्ड लैंग्वेज की चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है टॉपिक में पालतू पशु, जंगली पशु और पक्षी। तो बच्चों, मोरली हम लोग जानते हैं कि पक्षी पशु किसे कहते हैं, लेकिन ये जो पशु है, पशु में भी वैरायटीज और क्वालिटीज होते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिसे हम लोग पालतू पशु कहते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिसे हम लोग जंगली पशु कहते हैं। तो पालतू पशु एक्चुअली में, या उसका अगर डेफिनेशन हम लोग बोले तो किसे कहते हैं पालतू पशु, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पालतू पशु बच्चों, वह पशु जिसे हम लोग अपने घरों में पोसते हैं या पालते हैं और उनसे अपने जरूरत के कामों को कभी करवाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पालतू पशु। अब पालतू पशु जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो कि पालतू पशु किसे कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि। अब गाय जो है, गाय से हम अपने जरूरत के कामों को कराते हैं। बैल भी हो सकता है, बैल भी लिख लो, बैल हल चलाने के लिए। गाय हमें दूध देती है, जिससे हम कुछ कुछ लोगों का जीविकोपार्जन भी होता है, जिसके द्वारा बच्चों, जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि गाय को दूध बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं जीविकोपार्जन। अपने जीवन को चलाना, उसके द्वारा अपने जीवन को चलाना, मतलब अपने लाइफ को चलाना, उसको बोलते हैं जीविकोपार्जन। तो इन सब जानवरों के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पालतू पशु। पालतू पशु में क्या क्या है, गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बैल, खरगोश, ये सब होते हैं हम लोगों के पालतू पशु। अब आते हैं बच्चों जंगली पशु। जंगली पशु, जंगली पशु किसे कहते हैं। आइए देखते हैं जंगली पशु। बच्चे, जंगली पशु उसे कहते हैं हम लोग जो वन में रहता है। वन मतलब क्या, जंगलों में रहता है। जो वनों में रहता है या जो जंगलों में रहता है उसे हम लोग जंगली पशु कहते हैं। जैसे कि आप लोग चिड़ियाघर में भी जाते होंगे देखने के लिए, चिड़ियाघर में बेसिकली ज्यादातर जंगली पशु भी रहते हैं, वहां पे पालतू पशु भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे खरगोश एंड ऑल। बट आप लोगों को जंगली पशु ज्यादातर मोस्टली देखने को मिलता है, जैसे शेर, हाथी, गेंडा, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं जंगली पशु। जैसे देखिए शेर, बाघ, हाथी आदि होते हैं। तो शेर, बाघ, हाथी, ये सब होते हैं जंगली पशु। इन सब पशुओं को हम लोग पोस या पाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग जंगली होते हैं, ये जंगल में ही रहते हैं। और पालतू पशु वो होते हैं जिसको हम लोग पोस पाल सकते हैं, उसे हम लोग पालतू पशु कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं पक्षी। पक्षी, पक्षी किसे कहते हैं। पक्षी वो होता है जो उड़ सकता है, जिसके पंख हो, जो उड़ सकता है उसे हम लोग बोलते हैं पक्षी। पक्षी जैसे कबूतर, तोता, उल्लू, मोर, ये सब होते हैं पक्षी। आप कबूतर, तोता, मोर, उल्लू,
कबूतर, तोता, मोर, उल्लू आदि, ये वो पक्षी होते हैं। पक्षी यही होते हैं कि ये लोग उड़ सके, जिसके दो पंख हो, उन्हें हम लोग पक्षी कहते हैं। और भी बहुत सारे पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, स्पैरो और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं, सबको भी हम लोग पक्षी कहते हैं। तो बच्चे यही होता है पक्षी। आज हम लोगों ने पढ़ा पालतू पशु किसे कहते हैं, जंगली पशु किसे कहते हैं और पक्षी किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसका मैं आप लोगों को लेसन नोट्स में भी दिया हूँ कुछ क्वेश्चन, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। बाय बच्चों, थैंक यू। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में।